अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आमना है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वो मर जाने वाली ख्वातीन को गुस्ल देती और इन्हें कफन वगैरह पहनाती। हमें गांव में तो कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसलिए हमें अपने घर ले जाते, 3-4 हज़ार रुपये हमारे हाथ पर रखते और हमें गुसल और कफन के इंतजाम थमा देते। हम लोगों को अब इस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए किसी किस्म का कोई डर या वहशत नहीं होती थी। एक दिन शाम के 4 बजे मैं अपने काम से फारिग होकर बैठी थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 50 साल औरत खड़ी थी जिसका कद अच्छा खासा था और सेहत भी काबिले रश्क थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान हुई कि इतनी अजलत में किसी को मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने चादर पहनी और इस औरत के साथ चल पड़ी। वो बहुत अजलत में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वो रुक गई। वो पैदल ही आई थी, हालांकि उसके घर के बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। वो मुझे बड़ी राजदारी से अंदर लेकर गई। बोली, देखो आज दोपहर को ही मेरी बहू फौत हो गई है। मैं इसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर ले आया था, तब इससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर ये बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ़ ही न सह सकी। ये हामना है, लेकिन इस तकलीफ़ से इसकी जान चली गई। हामना औरत को ज़्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं। तुम इसे जल्दी से गुसल दे दो ताकि मैं इसे मुख्तसर रसूमात के बाद दफन कर दूं। मुझे तो इस लाश से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है, हामला औरतें जब मर जाती हैं तो वो डाइन बन जाती हैं। इस औरत की तवहमात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। हालांकि ऐसी कोई भी बात सच नहीं होती, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नज़र इस औरत की तरफ देखा जहाँ किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। मैं हैरान थी कि अपनी औरत के मरने पर कोई औरत इतना पुरसकून कैसे रह सकती है, वो भी जब उसके पेट में अपना पोता हो। खैर, मैंने गुसल की तैयारियां शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लटाया गया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी, इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सानहा है। गुसल देते वक्त मुझे इस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे शक सा हुआ तो मैंने उसकी नाक के आगे हाथ रख कर देखा। उसकी सांस और नब्ज़ चेक की तो वहाँ से इशारा मिल गया कि वो औरत मरी नहीं बल्कि सकते की हालत में है। जब इंसान की ज़ाहरी हालत ऐसी होती है जैसे कि मुर्दे की, लेकिन असल में वो ज़िंदा होता है। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई। गुसल देते देते रुक कर मैंने इस औरत की सास को बुलाया। बात सुनिए, ये तो मुझे ज़िंदा लग रही है, आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, हो सकता है कि अभी इनकी कुछ ज़िंदगी बाकी हो। औरत मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। नहीं, तुम्हें मुझे मशवरा देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो कहा है वही करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि यह कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान औरत यूँ मौत के मुँह में नहीं जा सकती। मैंने उसे गुसल देने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई, लाल रंग की एक थैली लेकर आई जिसमें 5-5 हज़ार के नोट थे। इस वक्त मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी, फिर पैसों से तो कोई भी बिक सकता है। मेरा ईमान भी डगमगा गया। मैं इस औरत की बात समझ गई। मैंने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी जो कब से मुझसे मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून ना था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं अपनी बेटी को पैसे दे दूंगी तो इसका मसला हल हो जाएगा। मैं दोबारा इस औरत को गुसल देने लगी, मगर मेरा दिल भोचल सा हो रहा था। मैंने इसे गुसल देने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकी और घर से निकल आई। इस घर के करीब एक कब्रिस्तान था जो इन लोगों का ख़ानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं उसे वहशत से देखती घर आ गई, मगर मुझे बिस्तर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने उसे भोजल दिल से ये खुशखबरी सुनाई, कहा कि तुम्हारे 50 हज़ार रुपये का बंदोबस्त हो गया है,
अब तुम अपने शौहर को दे देना ताकि वो मोटरसाइकिल ले ले और तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो। बोली, अम्मा जी आप इतने पैसे कहाँ से लाई हैं? मैंने उसे हकीकत नहीं बताई। वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई, लेकिन फिर शाम को जब मेरा शौहर आया तो मैं इससे ये बात नहीं छुपा सकी। वैसे भी वो भी मेरी तरह ज़मीर फरोश और लालची था, उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे जब ये बात बताई तो बातों बातों में मैंने उस औरत के जेवरात का जिक्र भी कर दिया कि औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियाँ पहनी हुई थीं। उसकी सास उन्हें निकाल नहीं पाई और उसके साथ ही कफन बनाने का कहा था। औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती कि उसकी बीवी मर गई है, इसलिए मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी भाग गई है, मैं उसे दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले ले और वो दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। वो अपने दिल को तसल्लियाँ दे रही थी कि इस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए सब किया है, वो अपने बेटे को गम में मुब्तला नहीं करना चाहती होगी। कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा सारी उम्र एक औरत के गम में बैठा रहे। खैर, इस सब के बाद भी मुझे इत्मीनान ना हो रहा था, लेकिन मेरे शौहर ने एक नई कड़ी मिला दी। कहने लगा, अब वो जेवर तो हमें निकालने ही पड़ेंगे वरना इस मुर्दे को भी अजाब होगा। वैसे भी इस सब में हमारा कोई कसूर नहीं, अगर एक जगह चीज़ ज़ाया हो रही है हमारा हक है कि हम इसे इस्तेमाल करें, हम इसे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी मगर उसने मुझे राज़ी कर लिया। बोला, थोड़ी देर का तो काम है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं, इस औरत की कब्र खोदेंगे और वहाँ से जो भी दौलत मिलेगी उससे कोई काम कारोबार कर लेंगे, फिर ऐसी हरकत का सोचेंगे भी नहीं। मैं अपने शौहर की बातों में आ गई। रात के 2 बजे हम अपने घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का कोई हथियार नहीं था जिससे हम कब्र खोज सकते, सिर्फ ये पता करना था कि ताज़ा कब्र कौन सी होगी जिससे हम मिट्टी हटाकर इस औरत तक पहुंच सकें। हमें गोरकन की मदद भी तलब करना थी। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे, खुदा की करनी कि गोरकन इस वक्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत से आगाह नहीं किया, कहा कि हम एक अमल करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। उसे कुछ बातों में लगाकर हम लोग इस कब्र की जानब बढ़े जो आज शाम ही बनाई गई थी। गोरकन ने इस कब्र की निशानदेही कर दी थी। वैसे भी वो कुछ ख़ास ईमानदार नहीं लगता था, उसके चेहरे पर भी अजीब सी नहुसत थी। गनीमत तो यही समझा कि उसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा, ना ही कोई दूसरी बात पूछी। शायद वो नींद में लग रहा था। टार्च की रोशनी में जब हम लोग इस कब्र तक पहुँचे तो वो बिल्कुल ताज़ा थी, इस पर नरम सी मिट्टी थी। हमने उसे हटाना शुरू किया तो वो आसानी से हट गई, लेकिन जब हम कब्र की स्लेबें हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैंने अपने शौहर को मना भी किया कि मुझे ये मामला कोई और लगता है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर वो नहीं माना। मगर जब पूरी स्लेब हटाई तो वो औरत कफन फाड़ कर उठी और एक ज़ोरदार चीख मारी। ये देखकर हम घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वो औरत जिंदा थी, तकलीफ से कराह रही थी। इस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने शौहर को पीछे हटने का कहा, इस औरत पर चादर डाली और उसे सारी हकीकत से आगाह किया। मगर जाहिर है इस औरत को यही बताया कि उसकी सास ने उसे ज़िंदा मार दिया था, मैं उसे बचाने आई हूँ। वो लड़की सारो कतार रोने लगी। बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो, मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला है, मैं मरी नहीं थी, उसने तो मुझे एक दवा दी थी, कहा था कि इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही हैं। उसकी रुदास सुनकर मेरे अंदर सोई हुई इंसानियत जाग गई। मैं और मेरा शौहर उसे घर ले आए। अगरचे मेरा दिल तो उसकी तरफ से साफ था, मगर शौहर ने उसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो ये तो सारा खेल उलट हो गया, हम इस औरत से फ़ायदा उठाने गए थे मगर ये तो हमारे गले ही पड़ गई। हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैंने अपने शौहर को डांट दिया, अगर तुम नहीं कर सकते मैं इस औरत की देखभाल करूँगी, मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज़ होती है। मेरी बात पर वो गुस्से होकर घर से चला गया। मैं उस लड़की के पास गई, उसे खाना वगैरह दिया
और उसे सारी बात पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सास ने उसको दबा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। तब उसने मुझे बताया कि वो अमीर खिराने की बहू है, उसके माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे, अपने चचा के पास रहती थी। बूढ़ी औरत जिसका नाम शकीला था, उसने अपने बेटे के लिए इस लड़की यानी मारिया का रिश्ता मांगा था। शकीला के बेटे को मारिया बहुत पसंद आ गई थी। जब मारिया ब्याह कर शकीला के घर आई तो शकीला ने पहले दिन से ही वाजिया कर दिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बेटे पैदा करवाना चाहती है, उसे पोते चाहिए और अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात मारिया की समझ में ना आई कि वो बेटा पैदा करने पर कादिर नहीं थी। उसकी जब पहली बेटी हुई तो सास ने बर्दाश्त कर लिया, मगर दूसरी बार जब वो उम्मीद से हुई तो सास ने पहले दिन से ही गिनना शुरू कर दिया। तीसरे चौथे महीने जाकर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि इस बच्चे की जिनस क्या है। डॉक्टर ने जो बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी, तो सास ने तरह तरह के हीले बहाने करके अपनी बहू का बच्चा साया करवाने की भरपूर कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। और फिर उसने अपना आखिरी वार इस तरह चला कि अपनी बहू को नींद की गोलियाँ इतनी मकदार में दी कि वो कभी ना उठ सके, क्योंकि उसका बेटा उससे बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने का तो सवाल ही पैदा ना होता। सो शकीला बेगम के मन में यही साजिश सूझी और उसने अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर डाला। मारिया रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुँचाएँगे, तुम अपने शौहर के साथ एक अलग ज़िंदगी शुरू करना। तब वो बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे इस घर में अपनी जान का ख़तरा है, अपना बच्चा पैदा होने तक मैं किसी महफूज जगह रहना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊँगी। मारिया की बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर के बाद रियाज मुँह बनाए घर आ गया। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने का कहा और अपने कमरे में चली गई। रियाज अभी भी नाराज़ बैठा था, उसे मेरी यह हरकत अच्छी नहीं लगी थी, मगर उसने तो मुझे डराना शुरू कर दिया। बोला, देख तू भूल रही है, अगर ये औरत जिंदा बच गई तो ये हम सबको भी फंसवा देगी। तूने उसकी सास से 50,000 रुपये की खतीर रकम ली थी, अगर उसने अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाया तो वो ये बात भी उगल देगी कि तू किस तरह उसे यहाँ तक लाई है। बेहतर यही है कि ये लड़की जहाँ थी वहाँ चली जाए, वैसे भी लोग तो जान ही गए होंगे कि ये घर से भाग गई है या फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो फिर क्या ज़रूरत है हमें इस सब में पढ़ने की, बेहतर है कि ये अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। रियाज की बातें सुनकर मैं काम कर रह गई। सोच भी ना सकती थी कि रियाज इतना संगदिल हो सकता है। मैंने रियाज को समझाने की कोशिश की कि जो तुम सोच रहे हो वह इंसानियत सोच सलूक है, ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। खैर, हम बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो घर की हालत बदली हुई थी। घर में ना वो लड़की थी और ना ही मेरा शौहर रियाज मौजूद था। मेरा दिल काम कर रह गया, खुदा जाने क्या हुआ होगा, मेरी आँख क्यों नहीं खुली। मैं सोचने लगी कहीं इसने मुझे कुछ सुंगा तो नहीं दिया था। मैं उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। मैंने देखा पूरा घर साई साई कर रहा था। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया, उसी जगह पहुंची जहां वो कब्र थी। जाकर देखा तो कब्र चों की तो मौजूद थी, रियाज का कुछ अता पता नहीं था। शाम को रियाज खुद ही घर आ गया। मैं उस पर बरस पड़ी, रियाज तुमने ये क्या किया, वो औरत कहाँ गई, तुमने उसे कहाँ छुपाया है, मार तो नहीं दिया। नहीं, मैं उसे क्यों मारूँगा। मैं सुबह तहज्जुद के वक़्त उठा तो वो ठंडी पड़ी हुई थी, उसका जिस्म कट रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत आए मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं कि लाश को घर में रखना कोई अकलमंदी की बात नहीं होती। रियाज की बातें सुनकर मेरा तो सर चकरा गया, खुदा जाने इसने उस लड़की को कहाँ छुपाया होगा। मैंने उसे लाख पूछने की कोशिश की मगर उसने मुझे कोई जवाब ना दिया। मायूस होकर मैं बैठ गई, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई। अब मैं सोच रही थी कि इस गलती का अजाला कैसे करूं, मगर उसकी नौबत नहीं आई। मकाफात अमल ने हमें हमारे किए की सज़ा दे दी।
शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई कि उसका शौहर एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद मुनीर किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से उसकी आमदनी आती थी, मगर वो अपनी मोटरसाइकिल या कार लेना चाहता था ताकि वो अपनी आमदनी को मुस्तहकम कर सके। मैंने अपनी बेटी को 50,000 रुपये भी इसलिए दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद ही इस दुनिया में ना रहा तो उन पैसों का मेरी बेटी ने क्या करना था। मेरी बेटी की बेवकी ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया, मगर मेरा शौहर इस सब के बावजूद भी पास नहीं आया। उसे तो गोया एक मुश्किला मिल गया था, लोगों की बनी बनाई दौलत अपने हाथों से लूटने का। इसी वजह से मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया। मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि वो मेरे इस गुनाह को बख्श दे, वरना मैं जानती हूँ कयामत का अज़ाब बड़ा सख्त है। मैंने कई औरतों को गुस्ल दिए हैं, कई औरतों का कफन तैयार किया है, मैं जानती हूँ, और अल्लाह ताला के अज़ाब से डरती भी हूँ। खुदा मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे। इस कब्र पर बैठकर इस औरत से माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ़ करेगा या नहीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।